Assalamu alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the lecture number 1 of the course CSC211 Data Structures. My dear students, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा एक नए सेमेस्टर में प्रमोट होकर आने पे. उम्मीद है कि अब आप सेमेस्टर सिस्टम से बखूबी इंट्रोड्यूस हो गए होंगे और आपको एक कोर्स को ड्यूरिंग द सेमेस्टर पढ़ने का तरीकाकार भी अच्छी तरह मालूम हो गया होगा. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ब्रीफली अपने बारे में बताना चाहूँगा. नाम मेरा है डॉक्टर इफ्तिखार अजीम नियाज. आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन रावलपिंडी. मेरी अर्ली एजुकेशन भी रावलपिंडी में हुई. मैंने मैट्रिक भी एक ही स्कूल से 10 साल पढ़ने के बाद किया है. इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ से मैंने FSC किया बैक इन 1985. उसके बाद मैंने BSc स्टार्ट की. देन आई गॉट एडमिशन इन पाकिस्तान मेरीन एकेडमी इन कराची. तो वहाँ पर मैंने BSc मैरीटाइम स्टडीज़ की और 19 दिसंबर 1988 में आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द पाकिस्तान मेरीन एकेडमी इन द 25th बैच. आई वाज अवार्डेड विद द प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर बीइंग द बेस्ट ऑलराउंड कैडेट. मैंने वहाँ पर एकेडमिक्स में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की, ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज़ में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की और स्पोर्ट्स भी में भी पहली पोजीशन हासिल की. द पाकिस्तान मेरीन एकेडमी वाज एफिलिएटेड विद द कराची यूनिवर्सिटी, सो दे अवार्डेड मी द BSc डिग्री. देन आई वेंट फॉर अ जॉब एंड आई वेंट फॉर 2 years ऑन द जॉब एंड देन आई केम बैक इन पाकिस्तान इन 1991 एंड आई जॉइंड कायदे आज़म यूनिवर्सिटी in the Department of Computer Science for my master's degree in 1992. I completed my MSc in Computer Science in 1994 and then I started jobs, and while performing my duties I done my second master's, that is master's in business administration with specialization in marketing from Allama Iqbal Open University Islamabad in 1999. Then in 2000, I went to Japan on a government scholarship provided by the government of Japan, which is called Momboshu Kagakusho Scholarship. So I stayed there for about 5.5 years. I did some research work, language work in the beginning, and finally got admission in the PhD program in 2001. I completed my PhD in software engineering from the University of Scuba. In 2005, I came back and joined my parent department again. And as far as my another qualification is done, that while performing jobs at Rifa International University, Islamabad, I had the opportunity of doing the postgraduate diploma in teaching methodology and professional ethics. That is dauran mujhe bahut kuch sikhne ko mila. Although I was teaching from since 1995, but मुझे इस diploma के दरमियान जो one year का diploma था, I learned a lot के how to tackle with the students, how to define the course goals, course objectives, and how to make the assessment of the students with objectivity, keeping in mind their prolific background, their cultural background. और उसके अलावा मुझे प्रोफेशनल एथिक्स में भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. थोड़ा सा अपनी जॉब हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि दैट जो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि आई वाज द ग्रेजुएट फ्रॉम द पाकिस्तान मेरीन एकेडमी कराची इन 1988. सो इन फ्रॉम फरवरी 99 आई जॉइन द एटलस शिप मैनेजमेंट लिमिटेड हांगकॉन्ग, पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी ओन्ड बाय पाकिस्तानी. So I traveled, I worked on the two ships, 1989 to 1990 tak ek oil tanker pe maine kaam kiya. Phir 1990 se 1991 mein I worked on a general cargo carrier. Aur is dauran mujhe jo hai Allah Taala ne mauka diya. I traveled across 5 continents. I visited North America, South America, Asia, Europe and Africa. ऑस्ट्रेलिया मुझे जाने का मौका नहीं मिल सका. इसी तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिका में भी जाने का मौका नहीं मिला. बट इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आई विजिटेड अबाउट 40 कंट्रीज अक्रॉस यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका. सी का जो है एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. आई टेक दैट एक्सपीरियंस, आई केम बैक, देन आई जॉइन कैदाज यूनिवर्सिटी. फिर वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद
तो मेरी फर्स्ट जॉब वॉज एज अ सिस्टम एनालिस्ट विद अ ड्यूश टेलीपोस्ट कंसल्टेंट्स विच इज़ अ जर्मन फर्म वर्किंग फॉर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन. उनके लिए वो एक नेटवर्क डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे. आई वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम. हमने उसमें उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए फॉर दी मल्टी एक्सचेंज एरिया एंड नेशनल नेटवर्क डेवलपमेंट. उसके बाद आई वर्क फॉर सिक्स मंथ इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. आई वॉज द फर्स्ट डेप्टी मैनेजर ऑफ द ट्रेनिंग सेक्शन, जहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी मौका मिला. शॉर्ट कोर्सेज थे, तो उसके अलावा मैंने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी की, स्टाफ की भी और स्टूडेंट्स की भी, और बहुत कुछ लर्नने को मिला. फाइनली आई गॉट अ जॉब इन परमानेंट जॉब इन दी एज अ लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जहाँ से मैंने मास्टर्स किया था. सो आफ्टर वन ईयर आई वेंट बैक टू माई डिपार्टमेंट एंड स्टार्टेड माई टीचिंग कैरियर फ्रॉम देयर. तो तकरीबन मैंने वहाँ पर जो है 12 साल काम किया. तो इसी दौरान में मैंने वहाँ रहते हुए, अपार्ट फ्रॉम जब मैंने टीचिंग की, तो आई डन माय सेकंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, आई वेंट टू जापान, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो वहाँ पर मुझे जापान में जाके कोर्सेज वहाँ के पढ़े, जापानीज लैंग्वेज भी सीखने का मौका मिला. रिसर्च मैंने खासी वहाँ पर कंडक्ट की, और फाइनली अल्लाह के फजल करम से आई एबल टू गेट द पीएचडी डिग्री इन 2005. आई केम बैक एंड जॉइंड द लेक्चरर बैक इन माय पेरेंट डिपार्टमेंट. वहाँ पर मैंने सर्व किया, फिर मैंने ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए, वहाँ भी लोगों को पढ़ाया. इन जनवरी 2007 आई जॉइंड रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड आई वर्क देयर फॉर 5 ईयर्स. इस दौरान मुझे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSc और उसके अलावा दूसरी जगह काफ़ी मुझे BS के लेवल पे और MS लेवल पर काफ़ी कोर्सेज मैंने पढ़ाए. स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला. और जो जापान से मैं टेक्नोलॉजीज और दूसरी चीज़ें सीख कर आया था, वो भी मुझे मौका मिला कि मैं स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर सकूँ. रिसेंटली इन फेबररी 2012 आई हैव जॉइंड द कॉन्सेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एट इस्लामाबाद कैंपस एज असिस्टेंट प्रोफेसर. तो करंटली फिर अब मैं इन्वॉल्व हूँ टीचिंग में और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में, और इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियाँ भी हैं. तो अब तकरीबन मुझे स्टूडेंट्स के ये टीचिंग करते हुए तकरीबन 18 साल हो गए हैं, एंड आई हैव लर्न अ लॉट. और उसमें मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस किए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की, उनको गाइड करने की कोशिश की. इसलिए थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोर्स भी मैं आपको वक्तन फवक्तन अपनी सोच और समझ के मुताबिक गाइड करता रहूँगा, और उम्मीद रखता हूँ कि आप इस गाइडेंस पर अमल करेंगे और अपने फ्यूचर को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएंगे. ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे ज़ाती बारे में. तो ईमेल एड्रेस मेरा मेन स्लाइड पर है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई चीज़ समझने में, यू कैन ऑलवेज सेंड मी एन ईमेल एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आई एम गोइंग टू इम्पार्ट ड्यूरिंग द सीरीज ऑफ दिस लेक्चर. सबसे पहला मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि वाई आर यू स्टडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंप्यूटर साइंस. ज़रा सोच के बताइएगा कि आप क्यों ये स्टडी करना चाहते हैं. नॉर्मली जब मैं इस किस्म का सवाल अपने स्टूडेंट से करता हूँ, तो जो टिपिकल जवाब मुझे आते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ. मैं उनसे ये बार पूछना होता हूँ कि वाई आर दीज योर मोटिवेशंस. तो सबसे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मोटिवेशन. सो मोटिवेशन बेसिकली इज़ अ फीलिंग ऑफ एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट और कमिटमेंट दैट मेक्स समबॉडी वॉन्ट्स टू डू समथिंग और समथिंग that causes such a feeling. ये वो definition है जो कि Encarta Dictionary में, जो कि Microsoft की है, उसमें दी गई है. क्या जो नीचे मैंने लिस्ट की हैं चंद एक motivations, क्या आपकी motivations इन्हीं में से एक हैं? जो typical जवाब उमूमन मुझे students के मिलता है कि चूँकि बहुत सारे लोग computer science कर रहे हैं, इसलिए हम भी computer science में admission लिया. इट्स जस्ट अ रैंडम चॉइस, कोई ख़ास नहीं था, कहीं और कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमने कहा चलो यहीं पर दाखिला ले लेते हैं. देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न कि आई एम स्टडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड स्पेशली कंप्यूटर साइंस. कुछ कहते हैं कि जी चूँकि ये रिक्वायर्ड कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, दैट्स वाई वी आर टेकिंग डेटा स्ट्रक्चर्स. और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि चूँकि मैं ये कोर्स फेल कर चुका था पहले, मैं ठीक तरह से पढ़ नहीं सका था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग इट अगेन. और
बाज बहुत कम ये भी जवाब आता है कि आई वॉन्ट टू बी टॉट बाई अ टफ इंस्ट्रक्टर, और इस तरह के और डिफरेंट आंसर्स आते हैं. क्या आप भी की भी मोटिवेशंस इन्हीं में से कोई एक हैं? अब मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में, दीज आर नॉट द ट्रू मोटिवेशंस फॉर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस और स्पेशली दिस कोर्स डेटा स्ट्रक्चर. मेरी बिलीफ ये है कि योर रियल मोटिवेशन इज कि आई टेक दैट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड. अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में या डेटा स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो आप इस कोर्स को सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे. सो मोटिवेशन जो है उसके लिए इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड टू डू एक्सेलेंस. सक्सेस इज नॉट द चॉइस, एक्सेलेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ़ यू गॉट एंड अचीव एक्सेलेंस, सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम. और मेरा जो 20-22 साल का जो तजुर्बा है प्रैक्टिकल लाइफ का, तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि इफ़ यू वर्क हार्ड तो यू विल बी सक्सेसफुल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर लेके हमें बाज़ दफ़ा एहसास होता है कि हम शायद मेहनत ना करें तो हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, मगर ऐसी बात नहीं है. टू बी अ सक्सेसफुल एंड एक्सेलेंस एंड टू अचीव एक्सेलेंस यू हैव टू वर्क हार्ड. इन माई हम्बल ओपिनियन देर इज नो शॉर्टकट टू एक्सेलेंस. You have to excel. उसके बगैर गुजारा ही नहीं है. आप उसके बगैर heights of excellence पर पहुँच ही नहीं सकते. You have to work hard. So I believe your real motivation is कि I take it because I'm interested. You have to develop the interest. अगर आपका interest होगा तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी and you will enjoy doing programming and other courses. सबसे पहले मैं आपको briefly इस कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा. इस कोर्स का कोड है CSC211, विच इज़ गिवन बाय द कॉम्थर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज. कोर्स का टाइटल है डेटा स्ट्रक्चर्स और उसके क्रेडिट आवर्स हैं 4, 3+1 है. इसमें 3 क्रेडिट आवर्स की थ्योरी है और 1 क्रेडिट आवर की लैब है. सो 3 क्रेडिट आवर्स ऑफ थ्योरी मीन्स देर विल बी 2 लेक्चर्स ऑफ 90 मिनट्स ईच फॉर द इन अ वीक. And for 1 credit hour, there will be 3 labs, 3 hours of lab work, which will be handled by our teaching fellows, jo aapke respective study centers mein maujood honge, wo aapko conduct karwayenge under our guidance. Aur iska jo prerequisite hai, jo yahan par ab aa gaya first time, ke you must have studied CSC 141, Introduction to Computing and Programming. To is course ko सही तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का आना बहुत ज़रूरी है. तो आई होप कि आप में से जो को लोग भी ये कोर्स पढ़ रहे होंगे उन्होंने ये प्रोग्रामिंग का कोर्स सक्सेसफुली पास कर लिया होगा एंड दे मस्ट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल ऑफ द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू डिलीवर इन दिस कोर्स टाइटल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स. जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट्स ने डिफाइन किए हैं कि द कोर्स इज डिजाइन टू टीच स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्स एंड स्कीम्स विच अलाउज देम टू राइट प्रोग्राम्स एफिशिएंटली मैनिपुलेट स्टोर एंड रिट्रीव डेटा. हमने आपको इसमें स्ट्रक्चर्स और स्कीम पढ़ानी है कि जिसके जरिए आप प्रोग्राम्स को लिख सकें, विच कैन बी इफेक्टिवली आप उसमें मैनिपुलेट कर सकें और डाटा को रिट्रीव कर सकें, डाटा को स्टोर कर सकें और डाटा की एफिशिएंट मैनिपुलेशन कर सकें. तो थोड़ा सा हम कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की ज़रा डिटेल को देखते हैं. उससे पहले मैं आपको कोर्स में डिस्क्रिप्शन बताना चाहूँगा कि व्हाट्स द कोर्स डिस्क्रिप्शन. इन रिसेंट ईयर्स द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ डिसिप्लिन हुज मास्टरी इज़ फंडामेंटल and crucial to the success of many engineering projects and which is amenable to scientific treatment and presentation. So computer programming jo hai usko ek pichle 10-20 saalon mein bahut zyada recognize kiya gaya hai, balki for the last 50 years to software pe itni zyada emphasis ho gaya ki it is now treated as a software engineering. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत फंडामेंटल है और इसके लिए इसमें मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द एंड टू वर्क हार्ड इन द कंप्यूटर साइंस. इट हैज़ एडवांस्ड फ्रॉम अ क्राफ्ट टू एन एकेडमिक डिसिप्लिन. वह क्राफ्ट छोटी सी घरेलू क्राफ्ट की बजाय ये एक पूरा एकेडमिक डिसिप्लिन बन गया है. इट इज़ अबंडेंटली क्लियर दैट अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन प्राइमरली
has a bearing in the case of large, complex programs which involves complicated sets of data. तो ये systematic of scientific approach इसमें आ गई है जिसकी मदद से आप जो है वो data को manipulate कर लेते हैं और large complicated sets को बासानी handle कर लेते हैं. Hence, a methodology of programming is also bound to include all aspects of data structuring. तो programming की कोई भी methodology हो उसमें data structuring के तमाम aspects का शामिल होना बहुत ज़रूरी है. तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि how important is the course of the data structure, especially in the programming environment of computer science. तो इस हवाले से जो प्रोग्रामिंग का कोर्स जो आपने अभी पढ़े पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा वो ज़रा बेसिक है. यहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और आपको कोशिश करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स की हैंडलिंग के बारे में. इसके जो यूजेज है वो आपके डिफरेंट फील्ड्स में इसका बहुत इस्तेमाल है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आएगा, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेटा स्ट्रक्चर का बहुत रोल है, डेटाबेस सिस्टम्स में इसका बहुत रोल है. अगर आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, आप विजुअल प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, वेब प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, आप कोई भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट लेंगे तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है. कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स जो हमने मैंने डिज़ाइन किए हैं, टू एक्सटेंड एंड डीपन द स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड द एसोसिएटेड डिज़ाइन एंड एनालिसिस टेक्निक्स. तो आपकी हमने एक तो जो ऑलरेडी जो नॉलेज है अबाउट एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर उसको और मज़ीद एक्सटेंड करना है, उसको डीपन करना है, और जो डिज़ाइन एनालिसिस टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं उनको भी वाइडन करना है. To examine previously studied algorithms and data structures more rigorously and introduce the students to new algorithms and data structures. जो आपने previously जो course में जो algorithms वगैरह पढ़े हैं और जो data structures पढ़े हैं उसको हम थोड़ा सा briefly देखेंगे और उसको हम extend करेंगे और आपको नए data structures के बारे में और नए algorithms के बारे में बताएंगे कि how to handle complex data. It focuses the students' attention on the design of program structure that are correct, efficient in both time and space utilization and defined in terms of appropriate abstractions. Hamara attention is tarah bhi hogi ki jo aap program structure banaye wo correct ho, jo aap program design kare wo efficient ho, both in time and space. Wo time mein bhi execution uski fast ho aur wo स्पेस यूटिलाइजेशन यानी कि मेमोरी यूजेज, प्रोसेसर यूजेज भी कोशिश की जाए कि वो जितनी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम उसको मैक्सिमाइज करें ताकि कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर को हम प्रोड्यूस करने में कामयाब हों. कोर्स की अगर हम बात करें तो अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स अ सक्सेसफुल स्टूडेंट ही और शी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज ट्रीज, ग्राफ्स एंड हैश टेबल्स. इनकी हम स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे और आप एट द एंड ऑफ द कोर्स आप ये बताने के काबिल होंगे. यू कैन एबल टू डिस्क्राइब, यू विल बी एबल टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर अ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम. उसके लिए यू विल बी एबल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स व्हिच इज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस सच एज लिस्ट्स, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स. You will be able to describe the classing, sorting techniques. There are six or seven techniques. We will deal with basic techniques. We will deal with the basic techniques due to the limitation of the time. If my effort is to do the maximum sorting techniques, I will discuss with you during the course of this lectures. You should be able to recognize when and how to use the following data structures such as arrays, linked lists, stacks, queues and binary trees. Okay, when to use this and how to use this and key, what to do and how to manipulate them and how to use them efficiently. You should be able to identify and implement the basic operations for manipulating each type of the data structures. जो बेसिक ऑपरेशंस हैं सच एज सर्च करने का, डिलीट का, उसको ब्राउज करने का, ऐड करने का, तो वो हम की ऑपरेशंस उन डेटा स्ट्रक्चर्स पर कर सकें. अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स फर्दर हम गोल्स को एक्सटेंड करते हैं. सक्सेसफुल स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म सिक्वेंशियल सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग एंड हैशिंग एल्गोरिदम्स.
to apply various sorting algorithms, in which includes bubble sort, insertion sort, selection sort, and quick sort. इसके अलावा तो shell sort और merge sort को भी देखेंगे. Understand recursion, be able to give examples of its use. ये भी आपने शायद सी जब आपने प्रोग्रामिंग की हो इंट्रोडक्शन की, तो शायद उसमें रिकर्शन का भी जिक्र आया हो. हम इसको जरा यहाँ पर आप तफसीलन देखेंगे. You'll be able to use the dynamic data structures, जो कि run time पर during the execution of the program उनकी length grow होती है. You should be able to know the standard abstract data types and their implementations. हम उसका concept भी discuss करेंगे और उसकी implementations के हवाले से भी बात करेंगे कि how to implement it. तो उसमें फिर क्या है, जो programming language है उसमें जो facilities available हैं, based on that facility there are various methods and ways to implement these abstract data types. And you will be introduced to and will have a basic understanding of the issues and techniques for the assessment of the correctness and efficiency of the programs. Ke program ko assess karenge ki wo kitne effective hain, kitne correct hain, user requirements ko meet kar rahe hain. And hum is course mein ye bhi dekhenge. जो ब्रीफली मैं आपको अभी कोर्स आउटलाइन बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द होल कोर्स आउटलाइन, जिसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर मैं मोटे मोटे टॉपिक्स बता रहा हूँ. बट इंशाल्लाह इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल बी गोइंग इन द डेप्थ ऑफ दी ईच ऑफ दीज टॉपिक्स. तो उसमें जो है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स है, विल टॉक अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. विल टॉक अबाउट द एरेज एंड पॉइंटर्स. We talk about the list data structure, जिसमें singly link list है, doubly link list है, double ended queues की हम बात करेंगे. We talk about the analysis of the list data structures करेंगे, circular link list की बात करेंगे. We will also talk about क्या stack, ये क्या होता है, इसका concept क्या है. Implementation करेंगे हम, आपको मैं guide करूँगा stacks using the arrays and pointers with the help of link list. Application of the stacks कहाँ कहाँ पर हैं और इन किन सिचुएशंस में वी कैन इजीली यूटिलाइज द स्टैक. इसके अलावा हम इनफिक्स, पोस्टफिक और प्रीफिक्स नोटेशन की भी बात करेंगे. वी विल आल्सो डू द इवैल्यूएशन ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. फिर हम क्यूज की तरफ आएंगे. क्यूज में हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज की बात करेंगे यूजिंग एरेज और लिंक लिस्ट करेंगे. सर्कुलर क्यूज की बात करेंगे, प्रायोरिटी क्यूज की बात करेंगे. फिर हम उसमें नेक्स्ट आएंगे ट्रीज की तरफ. विल डू द ट्री ट्रेवर्सल्स, बाइनरी सर्च ट्रीज एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे. हीप एंड हीप सॉर्ट्स की बात करेंगे. ग्राफ्स की तरफ डिस्कशन करेंगे. मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं. हैशिंग की बात करेंगे. एंड फाइनली फाइल्स को भी डिस्कस करेंगे कि वो एरिया है फाइल्स के बारे में. बाद लोग जो है वो हमारे डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं करते, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू जस्टिस विद द फाइल्स. इसमें हम सिक्वेंशियल फाइल्स, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स, रैंडम फाइल्स और हैश फाइल्स के बारे में भी इसमें मैं आपको बताऊंगा. रिकमेंडेड बुक्स इसमें काफ़ी हैं. आई एम सर्चिंग द इंटरनेट, तो मुझे काफ़ी बुक्स मिली. तो जो मेजर जो मुझे आपके लेवल पर ज़रा पसंद आई, कि द मेजर टू बुक्स विल बी वन बाय द रॉबर्ट क्रूज की हैं, सी एल टोंडो एंड ल्यूंग की हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्राम डिज़ाइन इन सी सेकेंड एडिशन है. पीयरसन एजुकेशन इनकॉर्पोरेटेड इंडिया ने इसको पब्लिश किया है इन द ईयर 2007. मार्क एलन वीस की है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एनालिसिस इन सी, विच इज सेकेंड एडिशन. पीयरसन एजुकेशन इनकॉर्पोरेशन इंडिया 1997. आपको ये किताबें थोड़ी सी इसमें से बात पुरानी लगेंगी, मगर चूँकि फॉर द लास्ट 10 ईयर्स द मेन फोकस इज़ ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसमें आप जो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स पर किताबें आ रही हैं वो यूजिंग C++, C# या जावा के हवाले से आ रही हैं. तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया है. मगर मेरी नॉलेज के मुताबिक आप लोगों ने सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग, जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, आपने वही पढ़ी हुई है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी इतनी शनासाई नहीं है. तो दैट्स व्हाई मुझे इन दिस कोर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द सी लैंग्वेज. तो उसमें अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का और क्लासेस के कॉन्सेप्ट का जिक्र नहीं करेंगे. तो उसमें भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंशाल्लाह देर इज़ नो प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग दीज डेटा स्ट्रक्चर विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. आई होप कि आप जल्दी ये कोर्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू इम्प्लीमेंट दीज डेटा स्ट्रक्चर्स
in the object-oriented development environment. इसके अलावा reference books में जैबिस समानता की है classic data structure which is second edition print and solve India ने इसको publish किया है in 2009. ISRD group की है data structures using C Tata McGraw Hill publishing company New Delhi India ने इसको print किया था 2006 में. इसके अलावा websites पर भी बेतहाशा material है. I would specifically recommend you people to off and on get help from the internet. इसमें जो दूसरी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हो रहे हैं वहाँ से बाज़ दफ़ा प्रेजेंटेशन और पी डी एफ फाइल्स के ज़रिए यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगर आपको मेरे लेक्चर्स में बाज़ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं. विकीपीडिया है. इसके अलावा बेतहाशा ट्रेनिंग मटीरियल भी वेब पर पड़ा है जिसकी मदद से यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक्स विच आई विल बी डिस्कसिंग इन द कोर्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स. हाँ जी, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ रॉबर्ट क्रूज, सीएल टोंडो और ब्रूस न्यू की जो इंटरनेशनल एडिशन है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्राम डिज़ाइन इन सी इज द सेकंड एडिशन. तो ये उसका कवर फोटो है जो अगर आप इसका पीएसएन का भी देखें इंडिया वाला उसमें ये बिल्कुल ब्लैंक ब्लू और उसके ऊपर वाइट टेक्स्ट में लिखा हुआ है. इसकी पिक्चर मुझे चूँकि अभी अवेलेबल नहीं थी उसमें से मैं आपको दिखा नहीं पाया. जो दूसरी है मार्क एलन वेज की, उसका जो इंटरनेशनल एडिशन है उसकी पिक्चर इस साइड पर है और जो थोड़ा सा इंडियन एडिशन है वो इस साइड पर भी है. तो ये आप चाहे इंडियन एडिशन ले लें या इंटरनेशनल एडिशन ले लें, दे आर बोथ द सेम. और इसको भी आप ज़रा गौर से जब पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन. सो दीज आर द मोस्ट टू बुक्स विच आई बी फॉलोइंग. इसके अलावा आई विल बी टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज द रेफरेंस बुक्स, क्योंकि मुझे बहुत सारी और भी रेफरेंस बुक्स मिली हैं. बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू ऑल द नंबर एंड नेम्स ऑफ दिस बुक, तो आपको कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. वक्त के साथ इंशाल्लाह मैं उनको स्टडी करता रहूँगा, उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं आई विल बी डिस्कसिंग विद यू. अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स हैव अ फिक्स्ड पॉलिसी. इसमें असाइनमेंट्स हैं विच इज़ अ 15%, चार असाइनमेंट्स होंगी. क्विजेज आपको 4 दिए जाएंगे, उनकी वेटेज 10% है. वट एवर देयर मार्क्स विल बी, देयर विल बी टू सेशनल्स ऑफ 25% वेटेज. इसमें फर्स्ट सेशनल की वेटेज 10% है, सेकंड सेशनल की वेटेज जो है वो आपकी तकरीबन 15% है. एंड द फाइनल एग्जामिनेशन विच विल बी हेल्ड आफ्टर 32 लेक्चर्स एंड विल बी 50% कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द 32 लेक्चर्स. नॉर्मली आपका 11th या 12th लेक्चर के अराउंड देर आफ्टर 10th और 11th देर विल बी द फर्स्ट सेशनल. उसके बाद आपके क्विजेज, पहला क्विज जो है वो तकरीबन 6 लेक्चर्स के बाद आएगा. सेकंड आफ्टर 12, ये रफ गाइडेंस आपको मैं दे रहा हूँ तो उसमें वो थोड़ा बिल्कुल फिक्स नहीं होता. बट देर बी 4 क्विजेज, 1 बिफोर द फर्स्ट सेशनल, 2 बिफोर द सेकंड सेशनल, सो इट बिकम्स 3 एंड 1 बिफोर द फाइनल. इसी तरह असाइनमेंट्स भी 1 बिफोर द फर्स्ट सेशनल होंगी, 2 बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सेशनल के दरमियान होंगी. एंड देर विल बी 1 मोर असाइनमेंट एट द एंड बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द सेकंड सेशनल. द फाइनल एग्जामिनेशन विल बी 50%. उसमें आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो गया होगा कि देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस इन द सेमेस्टर सिस्टम. Everything you have to attempt will be given in the paper. You have to attempt it. There is no choice. A nice quote jo mujhe bahut pasand hai, aksar main apne students ko baat par refer bhi karta hun. If you want to get something in life, you always have to think positive. You will definitely get the thing that you want. To usme jo key main aapke liye jo key hai, that is to think positive. ऑलवेज अगर आप नेगेटिव थिंक करेंगे तो खुद भी परेशान होंगे, लोगों को भी परेशान करेंगे और इस परेशानी में यू विल नॉट बी एबल टू वर्क हार्ड एंड यू मे नॉट अचीव द डिज़ायर्ड गोल इन द स्टिपुलेटेड टाइम. ऑल्दो शायद लेट भी हो जाए, आप कहेंगे हम इसके बगैर आप कहते हैं कि अचीव नहीं कर सकते, हम आपको अचीव करके दिखाएंगे. मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा, यू कैन ऑलवेज डू इट. बट इफ़ यू थिंक पॉजिटिव तो आपको जो है प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, यू विल वर्क एज अ टीम और लोग आपकी हेल्प भी करेंगे एंड इंशाल्लाह इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स रादर देन यू थिंकिंग नेगेटिव. सो आप ऑलवेज पॉजिटिव सोच रखें, लोगों के मुतालिक खामखा परेशान ना हों और जो आपको बुरी बात भी बताए तो उसको चुप करके इग्नोर कर दें. जो आपको अच्छी बात बताए समझाए तो
मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको याद रखें, उसको पल्ले से बांधें एंड टेक एडवांटेज फ्रॉम दैट थिंग. रुडयार्ड किपलिंग जो कि जंगल बुक और टार्ज़न के कैरेक्टर्स के खालिक हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि आई कीप सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई न्यू, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु. ये जो छह लोग हैं ये क्वेश्चंस हैं बेसिकली. And believe me, on the road of learning, these are your best companions. Over the period of time, जो पाकिस्तानी students में ये मैंने थोड़ा सा एक कमी इस चीज़ की महसूस की है कि most of the time they don't ask questions. You have to evaluate the things and you have to have a look on the things critically. तो जब भी कोई बात आपसे की जाए तो आप उसके बारे में ये छः सवाल में से जो सभी फिट हों, दो, तीन या चार, आप ज़रूर करें. What is to do, why this is happening, when we are going to do this, ab kyun nahi ho raha, us waqt kyun hoga, how is a very important question, how to do it, karna kaise hai, where and who will do it. To isme jo hai aapko bhi meri guzarish hai ki you should also keep these six serving honest men in your command so that aapki jo learning hai wo jald se jald behtar ho jaye and it should go to the heights. फाइव टिप्स भी आपको दूंगा सक्सेस के लिए. नंबर वन इज वर्क हार्ड, नेवर लूज हार्ट. मेहनत करें, खूब मेहनत करें. देर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क. यू कैन नॉट अचीव एक्सेलेंस विदाउट डूइंग द हार्ड वर्क. हार्ड वर्क इज द की. ट्राई मोर एक्सरसाइजेज एंड मोर प्रैक्टिस. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि जब आपने मसल्स बनाने होते हैं या स्पोर्ट्स में एक्सेल करना होता है तो आप एक्सरसाइजेज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. तो ये बहुत एक बुजुर्गों की कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आप में से मुझे यकीन है कि अभी भी बहुत सारे लोग घबराते होंगे, दे वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म गुड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. मगर इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. मैं खुद जब मैं भी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा था तो पहले सेमेस्टर में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई. और इसकी मेन रीज़न ये है कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन. इट रिलाइज ऑन द कमांड्स गिवन बाय द ह्यूमन. ही कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन. उसका ब्रेन कोई नहीं है. जैसा कि मैं 101 में भी बताया था, कंप्यूटर और ह्यूमन में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक. तो आपने उसको हर इंस्ट्रक्शन बेसिक लेवल पर जाके समझानी है. ये आप कंप्यूटर को एक ऐसा बच्चा समझिए कि जो वक्त के साथ साथ बड़ा तो हो गया मगर उसका दिमागी लेवल अभी भी 2 साल बच्चे जितना है. जैसे आप हर वक्त 2 साल के बच्चे को समझाते हैं, कमांड देते हैं कि उसको उससे काम किस तरह करवाना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस. तो उसमें एक टर्म बड़ी मशहूर है, गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आप कंप्यूटर में गार्बेज देंगे तो वह जवाब में आपको गार्बेज ही देगा क्योंकि और उसको कुछ समझ नहीं आएगा. तो आप भी प्रैक्टिस करें प्रोग्रामिंग में. आपको अगर प्रॉब्लम्स भी आए तो हिम्मत ना हारें, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और इंशाल्लाह यू विल एक्सेल. डू द लैब्स एंड असाइनमेंट्स बाय योरसेल्फ. उसको कॉपी करने की कोशिश ना करें, जो कि बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है क्योंकि आपका भी प्रोग्राम डिस्टेंस लर्निंग का है. तो यू के आपको बहुत सारे मौके भी मिल जाएंगे कि दूर दूर लोगों से काम करवाने, बट दैट नॉट हेल्प्स यू इन एनी वे. प्रोग्रामिंग इन दी एंड आपको खुद ही करनी है. अमूमन आप मास्टर्स करते हैं या बैचलर्स करने के बाद आपका पहला जॉब होती है वो प्रोग्रामिंग ही की होती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है दे वॉन्ट टू डू द प्रोग्रामिंग जॉब. तो उसमें अगर आपने खुद अपने हाथ से असाइनमेंट्स नहीं किए, लैब्स में प्रैक्टिस नहीं की, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिवेलप प्रोग्राम्स इफेक्टिवली इन द ओपन मार्केट. सो डू नॉट कॉपी, डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ प्लेजरिज्म, डू द लैब्स एंड असाइनमेंट्स बाय योरसेल्फ एंड बी पेशेंट विद द मशीन एट देयर टाइम्स. के वो एरर्स भी आएंगे, कुछ और भी होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट अगर आप उसको टाइमली चीज़ों को करेंगे तो वो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा. तो देर बी टाइम्स वेन यू विल बी एंग्शियस, एंगजाइटी आपको शामिल होगी. सो बी पेशेंट विद द मशीन, ये ना कि उसको मारना शुरू कर दें. एंड स्टिल अगर आप थक जाते हैं
if you really need to sleep, because it's the reality, that's the need, please do it quietly. उसमें snorting ना करें ताकि दूसरे लोग जो आपके environment में आपके साथ बैठे हैं या आपके घर वाले जो हैं, they should not be disturbed. So I hope that these are the 5 tips which will help you in getting success in the course of the data structures, even in the course of the master's and bachelor programs in computer science and in any other field. جی اب از دس دا سیم سچویشن از ود یو اس کارٹون کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صاحب دوسرے سے کہنا ہے کہ آئی فرگاٹ ٹو میک اے بیک اپ کاپی آف مائی برین سو ایوری تھنگ آئی لرنڈ لاسٹ سیمسٹر واز لاسٹ ہو سکتا ہے کہ پچھلے سیمسٹر اور اس سیمسٹر کے درمیان کچھ چھٹیاں ہوں آپ کو کچھ ریلیکس کرنے کا موقع ملا ہو تو ایسا نہ ہو کہ سب چیز بھول جائیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ از دس دا سیم سچویشن اگر تو یس ہے تو پھر آنے والا وقت بہت آپ کے لیے ٹف ہوگا یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اگین اور اگر ایسا نہیں ہے یو کیپ دا تھنگز وچ یو ہیو لرنڈ ان دا پریویس سیمسٹرز تو آپ کو اس میں بہت آسانی رہے گی اینڈ یو وونٹ فائنڈ اینی پرابلم ان اینی دی کورس یو وچ ول بی ہینڈلنگ ان دس سیمسٹر تھوڑا سا ذرا یہ دیکھیں کہ اف باس اسائنز اے ٹاسک ٹو پرفارم سرٹن ٹاسک آپ کیا کرتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے اس میں اس کی غمی خوشی اور غصے کا بھی انصر ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے بہت زیادہ ورک ہارڈ کرتے ہیں ہاؤ یو ول ڈو یہ آپ جی جان سے کوشش کریں گے کہ جو اس نے پرفارم کا ٹاسک پرفارم کرنے کو کہا ہے تو آپ اس کو بخوبی انجام دیں گے اگر آپ سے کوشچن کیا جائے ٹیل می واٹ ٹو کوڈ کیونکہ آپ تو فارغ بیٹھے ہیں جہاز اڑا رہے ہیں یا کوئی کام کرنے کو نہیں ہے تو اگر آپ کو آسان کا ٹاسک دیا تو اوکے ٹیل می واٹ ٹو کوڈ آپ آئی کین ڈیولپ اے نیو الگوریتھم فار یو تو آپ کو جیسے یہی نظر آئے گا کہ آپ کرسٹوفر کولمبس کی طرح دنیا فتح کرنے نکلے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کر دیں گے ایک نئی دنیا کو چیز پیدا کر دیں گے مگر جو گریٹ تھنکرز جو ہیں دے ول آلویز بی نیڈیڈ ان کی ضرورت تو رہے گی اگر ہم اسٹڈی کے حوالے سے دیکھیں تو مینی ایکسپیرینس پروگرامرز ور آسکڈ ٹو کوڈ اپ بائی ریسرچ اور سب سے کے مزے کی بات ہے کہ 80% گاٹ اٹ رانگ بھول گئے ہاؤ ٹو پرفارم اٹ گڈ تھنگ از اٹ واز ناٹ فار آر نیوکلیئر پاور پلانٹ کیونکہ وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے لیے فیٹل ڈیزاسٹر نہیں ہوا لاس آف لائف نہیں ہوا بٹ اسٹل اٹ ہیز اے پرابلم تو بھولنے کی عادت اکثر رہتی ہے مگر اگر ہم دیکھا جائے تو وائی موسٹ آف دا ایکسپرٹ پروگرامرز دا فرسٹ ٹائم فیل ان بائنری سرچ بیکاز دی فار گیٹ دی فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ آف دی الگوریتھمک ڈیزائن ٹیکنیکس بھول گئے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ آف دی الگوریتھمک ڈیزائن ٹیکنیکس کیا ہے تو پروگرامنگ کیا ہے میں تھوڑا سا ریویژن کرتا ہوں جو کچھ چیزیں آپ نے آلریڈی پچھلے کورسز میں پڑھ لی ہوں گی بٹ آئی ول ٹین ٹو اسٹارٹ اگین کہ پروگرامنگ بیسیکلی از اے پروسیس آف پرابلم سالونگ اور پرابلم سالونگ کا جو پروسیس ہے واٹ یو ول ڈو کہ فرسٹ آف آل یو انالائز دا پرابلمس اس کے بعد آپ آؤٹ لائن کرتے ہیں پرابلم ریکوائرمنٹس کہ اس کی ان پٹس کیا ہوں گی اور اس کی ریکوائرڈ آؤٹ پٹس کیا ہوں گی ان کا فارمیٹ کیا ہوگا ان پہ کنسٹرینٹس کیا ہے ان کی پری کنڈیشنز کیا ہے اور ان کی پوسٹ کنڈیشنز کیا ہے اسپیسیفائی وٹ دا سولوشن وڈ ڈو آپ اسپیسیفائی کریں گے اس میں ملٹیپل سولوشنز بھی آ سکتے ہیں اینڈ یو ول چوز دی آپٹیمل سولوشن اینڈ دین یو ول ڈیزائن دا اسٹیپس وچ کالڈ این الگوریتھم ٹو سالو دی پرابلم وچ از اے جنرل سولوشن ٹو اے سملر کلاس آف پرابلمس اینڈ دین یو ویریفائی یور سولوشن ریئلی سالوز دا پرابلم پھر آپ اس کو ویریفائی بھی کریں گے الگوریتھم کو تو یہاں سے ایک جو نئی ٹرم آ رہی ہے الگوریتھم وچ از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پرابلم سالونگ پروسیس ان وچ اے سولوشن از ارائیوڈ ایٹ ان اے فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم تو یہاں سے اگر ہم اس کی تھوڑی سی پراپرٹیز کو دیکھیں تو اور یہاں سے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کمپیوٹر پروگرامنگ کے حوالے سے تو نکلس ورتھ جنہوں نے پاسکل لینگویج ایجاد کی انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ود دس ٹائٹل کے پروگرام ایکولز الگوریتھم پلس ڈیٹا اسٹرکچر کمپیوٹر پروگرامنگ انوالوز رائٹنگ سافٹ ویئر دیٹ الاؤز اے مشین ٹو پرفارم ویریئس ٹاسک
which by hand would be tedious or so time consuming as to be essentially impossible to do. So computer programming ke zariye basically aap software likhte hain and you instruct the machine to perform various tasks jisko agar aap haath se karne baithe to wo itne tedious hain jitne time consuming hai ki bahut time lag jayega unko calculation karne mein jabki computer aapko facilitate karta hai to perform these calculations in a flash of a second aur aapko wo kafi accurate result bhi deta hai. Machines they work incredibly quickly and never get tired and are excellent at performing the following orders. But however, they will only perform as well as the instructions presented to them. Only machines ki sabse badi khususiyat ye hai ki na wo thakte hain, kaam bhi tezi se karte hain aur jo aap orders de unko badarje uttam jo hai wo tamil bhi karte hain. तो दे विल ओनली परफॉर्म जो आप इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस आप उनको देंगे वो सिर्फ वो ही परफॉर्म करेंगे अपनी तरफ से उसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज बेसिकली द एल्गोरिथम. तो प्रोग्रामिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी. व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम यू आर एक्चुअली राइटिंग एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू सॉल्व समथिंग फॉर यू. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंप्यूटर की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. इट इज यूज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. इट इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स इन द टाइम एंड स्पेस. दोनों को आपको बचा के देगा. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इन टू अ सोल्यूशन. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से लेके प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जानिब लेके जाती है. बाय यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन एंड बाय रिलाइंग ऑन आवर एबिलिटी टू सेलेक्ट एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज टेक्निक्स एंड टूल्स. तो इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज भी इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्निक्स डिफरेंट है वो भी इस्तेमाल करेंगे और जो टूल्स अवेलेबल हैं टू एग्जीक्यूट दो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे. अगर हम केक ये यमी कप केक बनाना चाह रहे हैं जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है बड़े यमी है, आप में से कुछ लोगों की ज़बान में पानी भी आ गया होगा. इसकी प्रॉब्लम है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड बाय अ कस्टमर बाइंग द कप केक्स. और प्रॉब्लम अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स को देखेंगे, वी सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथड विच इज एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्पेसिफाई द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स. फिर आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम्स को कि उसके इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है. देन यू विल डिज़ाइन द एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे आप. उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे एल्गोरिदम इन एन अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्विज, कोडिंग करेंगे. फिर आप उसके बाद टेस्ट एंड वेरीफाई करेंगे कंप्लीटेड प्रोग्राम को विद द टेस्ट डेटा एंड यू मेक श्योर कि इट इज मीटिंग द डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स. एंड फाइनली आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. अब इन स्टेप्स को अगर हम वन बाय वन देख लें तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में क्या होता है कि यू स्पेसिफाई द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स. इट रिक्वायर्स यू टू स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली. सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को बड़ा क्रिस्टल क्लियरली स्टेट करना है एंड टू गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू बी सॉल्वड एंड व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन. हमने सॉल्व क्या करना है और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है. When the अगर आप इसको हम देखें कि when specifying the problem requirements, we ask ourselves the following questions. What is the problem? Problem है क्या? What the solution should provide? वो क्या expect कर रहे हैं कि solution जो भी उनको दिया जाएगा वो उसकी क्या क्या खसूसियात होंगी, वो क्या provide करेगा. What is needed to solve this problem? हमें इसके लिए basic data inputs क्या चाहिए होंगी. If there are any constraints or special conditions that must exist to be to wo bhi hame dekhni padengi solution ke hawale se. Agar hum yummy cupcake ko kahein to you are required to calculate the amount to be paid by a customer buying cupcakes. To isme humne ab ye dekhna hai ki what the problem is, what the solution should provide, what is needed to solve it and is there any constraints and special conditions. तो प्रॉब्लम एनालिसिस में जो आता है एनालाइज द प्रॉब्लम रिक्वायर अस टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. जब एनालाइज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या उसमें एक इनपुट है, एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं,
उनकी फॉर्म क्या है और उनके लिए इनपुट मीडिया क्या इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्स्ट फाइल्स होगी, सीडी से होगा, वीडियो की फॉर्म में आएगा, डिजिटल पिक्चर होगी या क्या होगा। इसी तरह जो आउटपुट्स एक्सपेक्टेड हैं फ्रॉम द प्रॉब्लम, उनकी फॉर्म क्या होगी और उनको हमने किस आउटपुट मीडिया पे देखना है, स्क्रीन पर देखना है, प्रिंटर पर देखना है, प्लॉटर पर देखना है या किसी फाइल की सूरत में हार्ड डिस्क या किसी भी सेकेंड स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर करना है। स्पेशल कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस क्या हैं अगर उस हवाले से कोई हो, एनी फार्मूला और इक्वेशन विच इज़ टू बी यूज, तो वो भी हमें एनालिसिस में मालूम होनी चाहिए। तो अगर हम यमी कप केक की एग्जाम्पल को ही थोड़ा सा देखें, तो क्वांटिटी ऑफ द कप केक्स का परचेज जो होगी वो इनपुट होगी कि कितने हमने क्वांटिटी परचेज करनी है, तो इंटीजर होगा। प्राइस पर कप केक क्या होगी, फ्लोट भी हो सकती, रियल नंबर भी हो सकती। आउटपुट क्या है कि टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर, जो कि उसमें भी हो सकता है प्लस फ्लोट होगा। अब कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस क्या है कि क्वांटिटी परचेज मस्ट बी मोर देन जीरो, तभी तो आपका कोई बिल बनेगा, प्लस रिड्यूस होंगे। प्राइस पर कप केक मस्ट बी मोर देन जीरो, इफ इट इज़ नॉट फ्री, अगर वो फ्री है तो फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड वी अज्यूम दैट द प्राइस गिवन इज द स्टैंडर्ड प्राइस टू ऑल कप केक्स। और फार्मूला इक्वेशन क्या होगी, अमाउंट टू पे इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ कप केक मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर कप केक होगा, तो उससे हमें अमाउंट टू पे निकल आएगी। थर्ड स्टेप है डिजाइनिंग द एल्गोरिदम, एंड डिजाइनिंग एल्गोरिदम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिक्वायर्स यू टू डेवलप अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक लॉजिकल ऑर्डर व्हिच व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोड्यूसेस द सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। यूजिंग टॉप डाउन डिज़ाइन, जिसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर भी कहते हैं, कि यू फर्स्ट लिस्ट डाउन द मेजर टास्क एंड फॉर ईच मेजर टास्क वी मस्ट फर्दर डिवाइडेड इन टू सब टास्क, जिसको हम रिफाइनमेंट में कहते हैं, और वी कॉल इट स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। एंड वेन यू राइट एल्गोरिदम, राइट इट फ्रॉम द कंप्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ह्यूमन्स पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर, unambiguous, effective and efficient in writing algorithms. An algorithm must satisfy these requirements ki it may have an input, ho sakti hai, it must have an output. Koi bhi aapka algorithm ko usne output lazman deni hai. It should not be ambiguous, there should not be different interpretations to it. Each step in algorithm must be clear as what it is supposed to be to do. So ye bilkul clear hona chahiye. It must be general, it can be used for different inputs. The algorithm must give solution to a general class of problems. Like example ke taur par agar aapne koi 3 numbers ko add karne ka program likha hai, to wo ye na ho ke 3 or 4 or 5 3 number diye to usne answer correct diya, magar jab unhone usko 34 71 94 diye to usne jawab gadbad kar diya. A correct algorithm will give answer इन अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम, उस केस में जो भी डाटा होगा इन तमाम केसेस में उसको ठीक जवाब देना है। इट मस्ट बी करेक्ट एंड इट मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर विच इट इज डिजाइंड। ये ना हो कि वो प्रॉब्लम जिसके लिए आपने उसको डिजाइन किया उसको तो हल ना करे, किसी और को हल कर दे। इट मस्ट बी एग्जीक्यूट एंड टर्मिनेट इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, अनलिमिटेड ना हो जाए, वो फंस जाए, कोई कैलकुलेशंस में ही करता जाए, वो कभी जवाब ही ना निकले। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, इट मस्ट बी एफिशिएंट एनफ सो दैट इट कैन सॉल्व द इंटेंडेड प्रॉब्लम्स यूजिंग द रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। तो उसका भी हमने एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज भी करनी है। अगर हम यमी उसी कपकेक की एग्जांपल लें, तो यू विल मेजर टास्क जो है, रीड द क्वांटिटी ऑफ द कपकेक परचेज्ड, read the price per cupcake, you calculate the total amount to display and you display the total amount to pay. However, looking at the above algorithm, we can still further refine step 3, which is calculate the total amount by introducing the formula to calculate the amount to pay. So after refinement, kya hoga ki read the quantity of cupcake purchased, read the price per cupcake with total amount to pay is equals to quantity of cupcakes multiplied by price per cupcake and you will display the total amount to pay. हमने इसको step wise define कर लिया। अब आप जो याद रखने वाली चीज है कि the order of the steps in the algorithm is very important.
consider the following. Will the result be same? Okay, you display the total amount to pay, get the quantity of cupcake purchased. Total amount to pay is equal to quantity of cake into price per cupcake, and get the price per cupcake. अगर ये ordering होगी तो क्या आपका ख्याल है कि ये same result आएगा? I hope so not. It will be a different result. क्योंकि जो आपने suppose की है average हो सकता है कि user वो price ना enter करे. तो control structure को हम देख लेते हैं. Algorithm can be represented using pseudocode or flowchart. तो in 1966 में two researchers जिसको C. Bone and G. Jacopini demonstrated that any algorithm can be described using only three control structures, जिसको हम sequence, selection and iteration कहते हैं. Sequence का क्या है? कि जो sequence control structure है, it is a series of steps or statements that are executed in the order they are written in an algorithm. उसी sequence में आएंगे one after another, वो sequence change नहीं होता. जो selection control structure है, defines two courses of action depending on the output of a condition. क्योंकि जो भी condition होगी, वो हाँ या ना में होगी, उसका कोई भी outcome जो आएगा, वो one of the these two alternatives होगा. A condition is an expression that is when computed, evaluated to either true or false. उसके बाद जो तीसरा control structure है, वो repetition का है, which specifies the block of one or more statements that are repeatedly executed until a condition is satisfied. कुछ set of instructions हैं, उनको हम continuously repeat करते रहते हैं for a number of times until a condition is satisfied. जैसे ही वो condition satisfaction खत्म होगी, वो जो repetition है वो टूट जाएगी. इसको इस control structure को हम उर्फ़े आम में loop भी कहते हैं. So loop and repetitive structures, they are the same thing. Algorithm की अगर हम बात करें तो there are two parts to a computer program, that is there is the process or sequence of steps which are necessary to complete the given task, and there are translation of this process into a language which the computer can understand to perform your tasks. Algorithm की definition हम इसको quickly दोबारा भी देख लेते हैं. Algorithm refers to a step-by-step method for performing some action. A precisely defined sequence of computational steps that transforms a given input into a desired output. An algorithm tells us how to perform a task. The logical steps, basically these are the logical steps to solve a problem. Some examples of algorithms in everyday life, agar hum dekhe, to food preparation, directions for assembling equipment, instructions for filling out income tax forms, these are all basically इसके लिए हमें एल्गोरिथम्स की ज़रूरत पड़ती है. एवरीडे लाइफ में वी हैव टू फाइंड दिस प्रॉब्लम. तो क्राइटेरिया किसी भी एल्गोरिथम के लिए क्या होगा? कि इनपुट जीरो और मोर क्वांटिटीज आर एक्सटर्नली सप्लाइड. आउटपुट में देर शुड बी एटलीस्ट वन डिजायर्ड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. डेफिनेटनेस जो है, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड मस्ट बी अनएम्बिगुअस. फिटनेस की हम बात करेंगे, फाइनाइटनेस की बात करेंगे. एल्गोरिदम टर्मिनेट्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. क्योंकि इसमें जो है ये आपको ये नहीं कि अनलिमिटेड स्टेप्स में जाकर जवाब आए. इट मस्ट बी गिव सॉल्यूशन इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. जो दूसरा इसके काउंटर पार्ट है, दीज आर दी ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशंस. और इसमें जो है ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशन में गाइडलाइंस दी जाती हैं और इसमें स्टेप्स फॉर्मल शामिल नहीं होते. इसके अलावा जो पांचवा क्राइटेरिया है किसी भी अच्छे एल्गोरिथम के लिए, ईच इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी फीजिबल एंड इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट अ वेरी बेसिक लेवल सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट. एल्गोरिथम्स के हम प्रोग्राम की तरफ अगर हम जाएं तो प्रॉब्लम आपको आती है, तंग करती है. डेली लाइफ में भी आपको बेताशा आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है. तो एल्गोरिथम क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है विच डिस्क्राइब करता है हाउ टू डू अ टास्क, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. और उसके बाद जो है जब आपको वो उसको मिल जाता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो फिर आप कंप्यूटर प्रोग्राम आसानी लिख सकते हैं. एल्गोरिथम को जो रिप्रेजेंटेशन करने के देर आर टू मेथड्स हैं, या तो सूडो कोड है या फ्लो चार्ट है. तो सूडो कोड क्या है? कि ट्रेडिशनली फ्लो चार्ट्स वर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम डायग्रामेटिकली. दीज वर बल्की, डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड ऑफन लेड टू पुअर प्रोग्राम स्ट्रक्चर.
तो सूडो कोड इज द मेथड ऑफ राइटिंग डाउन एन एल्गोरिदम, उसको रिप्रेजेंट करने का है. तो सूडो कोड इज इजी टू रीड एंड राइट, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिदम इन एन समवट इंग्लिश लाइक language. Pseudocode is really a structured English. It is English which has been formalized and abbreviated to work like very high level computer languages. Pseudocode is a semi-formal English like language with limited vocabulary that can be used to design and describe the algorithms. तो कोई भी अच्छे जो good pseudocode होगा उसका जो criteria है, it should be easy to understand, it should be precise and it should be clear. And it should give the correct solution in all cases, not one, two or five cases. Or eventually end में finiteness होनी चाहिए. Examples हम pseudo codes की देखें, अगर हमने जैसे है कि freezer, we have to open the freezer door, take out the meal, you close the freezer door, you open the microwave door, you put the meal on the carousel, you shut the microwave door, you set the microwave on high for 5 minutes, you start the microwaves, wait for 5 minutes, you open the microwave door, you remove the meal and you close the Microsoft door. So these are the pseudo code ke hawale se structured English mein humne wo steps bata diye to get something food from the refrigerator. अगर हम एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम की देखें तो उसको हम इंग्लिश में इस तरह भी लिख लेते हैं कि जैसे प्रोसीजर डू थर्सडे, उसमें सबसे पहले आप वेकअप होंगे, यू विल टेक अ शावर, यू विल ईट ब्रेकफास्ट, यू विल ड्राइव टू यूनिवर्सिटी, अटेंड एल्गो लेक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा, यू ड्राइव फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड यू कम बैक होम और सम अदर प्लेसेस वेयर यू वांट टू एंजॉय. इसी तरह जैसे हम प्रोसीजर डू वीक है तो उसमें डू मंडे, डू ट्यूसडे, डू थर्सडे, ये सीक्वेंशियल एक्टिविटीज हैं व्हिच विल बी परफॉर्मड one after an other. So pseudo code basically kya hai ki English plus code hai. To English mein is relaxed index hai, that is easy to read, aur code hai basically wo extension hai version of the basic control structures such as sequential, conditional and iterative. To pseudo code ko banane ke rules kya hai ki there is currently no standard pseudo code, there are no however certain conventions. So statements, they are written in simple English. Each instruction is written on a separate line and logic showing keywords are written in uppercase, for example, if, then, for, while. And each set of instruction is written from top to bottom with only one entry and one exit. Groups of statements, they can be formed into modules and that group gives a given of a name, which from a firmware name bhi keh sakte hain. सूडो कोड के हवाले से देखेंगे तो द फॉलोइंग कन्वेंशन आर यूजली यूज्ड. तो जो ये डायमंड आपको नजर आ रहा है, फिल डायमंड, द राइट डायमंड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द रिमाइंडर ऑफ अ रिमाइंडर ऑफ अ लाइन शुड बी ट्रीटेड एज अ कमेंट. इफ मोर देन वन स्टेटमेंट अपीयर्स ऑन अ सिंगल लाइन, अ सेमी कोलन विल बी यूज्ड टू सेपरेट देम. तो असाइनमेंट स्टेटमेंट को भी हम देखते हैं, इट हैज द फॉर्म ई असाइन टू द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हिच असाइंस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ई to the variable x. Multiple assignments can be performed in one statement, for example, a is assigned to y is assigned to x, or in the end it assigns the value of e to variables x and y both. Another way isko karne ka ho sakta hai ki isko hum kehte hain ki where x is a variable and e is an expression, to x assigned to e when assignment statement is executed. So the expression e is evaluated using the current values of all the variables in the expression and then its value is placed in the memory location corresponding to x, which is replacing any previous contents of this location. Agar hum transporting ki example dekhen to you hum exercise hum ye karte hain ki find an algorithm that makes two values x and y as inputs. The input values are then interchanged to obtain the output. To method jo hum try karte hain normally ki y ki value x ko de di aur x ki value y ko de di, but we would not obtain the set desired output. Wo isliye ki in step 1 correctly can change x but the original sign of x was lost. Step 2 has no effect on the value of y. To obtain the desired results we must save the original value of x somewhere. Usko hum dekhe to obtain the desired results we must have the original value of x
and this is done by assigning the value of x to a new variable called save. तो आप इनपुट क्या करेंगे, x और y करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू को आप ओरिजिनल लिखेंगे वेरिएबल सेव में, तो उसके बाद जो y की वैल्यू है वो x में दे देंगे और सेव की वैल्यू वापस y में देंगे, तो ये ओरिजिनल x वैल्यू प्लेस हो जाएगी इन द y वेरिएबल और उसके बाद आप फाइनली x और y को आउटपुट कर देंगे, तो चूँकि वैल्यूज ट्रांसपोज हो चुकी होंगी तो वो आंसर करेक्ट आएगा. फ्लो चार्ट जो है, इट इज़ अ ग्राफिक्स, इज अ ग्राफ यूज टू डिपेक्ट और शो अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यूजिंग द सिंबल्स विच रिप्रेजेंट्स अ टास्क. तो द सिंबल यूज्ड कंसिस्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स दैट आर कनेक्टेड बाय फ्लो लाइंस एंड बेसिकली इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू सूडो कोडिंग. सिमांटिक वाइज ही उनका सिमांटिक वाइज जो दोनों सेम है, सिंटैक्टिक फ़र्क है. वेयर सूडो कोड डिस्क्रिप्शन इज वर्बल, अ फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल इन नेचर, जबकि सूडो कोड जो है वो इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में होता है. चंद एक सिंबल्स में आपको बता देता हूँ आपके रिवीजन के लिए, कि ये जो ओवल शेप में जो आता है और जिसके जो राउंडेड हैं एजेस, इट्स अ टर्मिनल सिंबल इंडिकेट्स द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ एन एल्गोरिथम. जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, इट्स अ प्रोसेस सिंबल शोज एन इंस्ट्रक्शन अदर देन इनपुट आउटपुट और सिलेक्शन. उसके बाद आपको पैरेललोग्राम नज़र आएगा विच इज़ एन इनपुट आउटपुट सिंबल, इट शोज एन इनपुट और एन आउटपुट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड. ये जो आपको 3D में ज़रा सर्कुलर सा नज़र आ रहा है, इट्स अ डिस्क स्टोरेज IO सिंबल, इंडिकेट्स दैट इनपुट फ्रॉम और आउटपुट द डिस्क टू स्टोरेज विल बी पॉसिबल. तो ये आपको जो डॉग लीड वाले नज़र आ रहे हैं नीचे से हल्के से मुड़े हुए, दीज आर द प्रिंटर आउटपुट सिंबल हैं ये वाले, ये शोज द हार्ड कॉपी प्रिंटर आउटपुट. उसके अलावा ये जो डायमंड आपको इस शेप में नज़र आ रहा है, सिलेक्शन सिंबल शोज अ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर टू वे सिलेक्शन. और अगर ऑफ पेज कनेक्टर आपका फ्लो चार्ट बड़ा हो रहा है, एक पेज पे पूरा नहीं हो रहा, नेक्स्ट आपने दूसरे पेज पे जाना है, तो ऑफ पेज कनेक्टर लगा दें, प्रोवाइड कंटिन्यूएशन ऑफ अ लॉजिकल पाथ टू अनदर पेज. और अगर आप उसी पेज पर मूव करना है तो आप ऑन पेज कनेक्टर लगाएंगे विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूएशन और लॉजिकल पाथ एट अनदर पॉइंट इन द सेम पेज. और फाइनली ये फ्लो लाइंस हैं विच इंडिकेट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेप्स इन द एल्गोरिथम. तो अगर हम सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखें, सीरीज ऑफ स्टेप्स और स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे आर रिटन इन एन एल्गोरिथम. द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी ऑप्शनली बिगिन, यू कैन मार्क देम विद द कीवर्ड्स बिगिन एंड एंड. जैसा कि आप ये देखेंगे सूडो कोड में हम लिखेंगे बिगिन और एंड, उसमें स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू एंड सो ऑन अप टू स्टेटमेंट एंड ये सीक्वेंस में आ रही हैं. इसी तरह अगर हम फ्लो चार्ट की सूरत में देखेंगे तो बिगिन और एंड हैं, तो इसमें स्टेटमेंट वन होगी इस फॉर्म में, स्टेटमेंट टू होगी और उसके बाद ये बेताशा कुछ बीच में से हम स्किप कर रहे हैं एंड फाइनली वी आर मूविंग टू द स्टेटमेंट एन. और सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में जैसे आपने करना है कि कैलकुलेट अ पर्सन एज, तो आप बिगिन कैसे करेंगे, रीड करेंगे उसका बर्थ ईयर, एज देखेंगे करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, तो डिस्प्ले द एज जिससे आप एज को चेक कर लेंगे और इसमें जो भी वैल्यूज आप देंगे वो हमेशा करेक्ट आंसर आएंगे क्योंकि आपका एल्गोरिथम बेसिकली करेक्ट है. उसी को अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो यहाँ पर हमने इसको फ्लो चार्ट भी बनाया है, बिगिन रीड बर्थ ईयर, एज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर एंड फाइनली यू डिस्प्ले द एज. ये आउटपुट है, ये प्रोसेसिंग है टर्मिनल सिंबल्स. सिलेक्शन में डिफाइन टू कोर्सेज ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ कंडीशन. तो अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इज वेन कंप्यूटेड इवेल्यूएटेड टू आइदर ट्रू और फॉल्स. तो अगर ट्रू यस हो जाएगा तो देन स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी, अगर देन फॉल्स हो जाएगा नो हो जाएगा तो जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो स्टेटमेंट पर आएगी. द कीवर्ड्स आर इफ एंड एल्स. फॉर्मेट अगर हम इसको उस फॉर्म में देखना चाहें तो सूडो कोड में हम लिखेंगे इफ कंडीशन देन पार्ट एल्स इफ पार्ट और एंड इफ. वही अगर हम थोड़ा सा और भी हम देखना चाहें तो एक और देखना है कि यू रीड द एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 55 देन यू विल प्रिंट पेन कैन, एल्स यू प्रिंट करी जलागी एंड इफ. और इसी तरह अगर हम उसको उसमें देखना चाहें किसी और केस में, तो हम यूं भी कर सकते हैं कि बिगिन रीड एज इफ एज इज ग्रेटर देन 55 प्रिंट पेंशन एंड एल्स प्रिंट कर्जा लागी एंड एंड एफ. उसी का जो फ्लो चार्ट यानी कि ग्राफिकल मेथड है, सेम एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड हेयर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट.
सूडो कोड में जो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है इट इज समटाइम इन सर्टन सिचुएशन वी मे ओमिट द एल्स पार्ट जैसे इफ द नंबर इज ऑड नंबर प्रिंट दिस इज एन ऑड नंबर और एंड एफ खत्म हो गए क्योंकि किसी और को जरूरत नहीं है नेस्टेड के केस में आ जाएगा द सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अदर इफ एल्स स्ट्रक्चर इज देन इट्स देन पार्ट और द एल्स पार्ट For example, if number is equal to 1, print 1, else if number equal to 2, print 2, if number is equal to 3, print 3, and else print others, and end if. अब जो फ्लो चार्ट और डायग्राम दी हैं एग्जांपल वन और टू की उसको जरा क्विकली बना कर देखें अभी दो साइड पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी हैं वन और टू क्या आप उसका फ्लो चार्ट बगैर देखे बना सकते हैं ईमानदारी से बनाइएगा और फिर मुझे ईमेल पे इन्फॉर्म कीजिएगा द रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्पेसिफाइज द ब्लॉक ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स दैट आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड अनटिल अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड इसमें कीवर्ड जो होता है वाइल का होता है इसको हम प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं कि इसमें जो है लूप आपकी कंडीशन पहले टेस्ट होती है और बाद में बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड और अगर आपने इसको लूप स्टेटमेंट्स को जो है वो उधर कर दिया है तो उसमें जो है वो शुरू से भी इस्तेमाल कर लेगा प्रॉब्लम क्या है कि वी राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एंड डिस्प्लेज द एज ऑफ 10 पीपल वन आफ्टर अनदर तो फॉर दिस प्रॉब्लम वी नीड अ वे टू काउंट हाउ मेनी पीपल्स हुज एज हैव बीन प्रोसेस्ड मींस रीड एंड डिस्प्लेड देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर अ वेरिएबल यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ अ पीपल हुज एज बिटवीन हुज एज हैव बीन प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि बिगिन हम उसी करते हैं यहाँ काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स गिविंग इज एज इक्वल्स वन वाइल द नंबर ऑफ यूजर गिविंग इज एज इज लेस देन और इक्वल टू 10 जो कि 1 से कम है 10 दफ़ा चलनी है काउंटर लगा दिया है रीड द एज फ्रॉम द यूजर यू प्रिंट द यूजर एज नंबर ऑफ यूजर गिविंग दिस एज हिज एज प्लस 1 तो ये अपडेटिंग काउंटर के लिए है इसको हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि यूजर इक्वल टू 1 वाइल यूजर इज लेस देन इक्वल टू 10 रीड एज प्रिंट एज यूजर इज इक्वल टू यूजर प्लस 1 एंड वाइल तो फिर ये पहली स्टेटमेंट में चला जाएगा यूजर बार बार इसको इस्तेमाल नहीं करेगा यहाँ पर नहीं कंट्रोल आएगा एक और हम वही फ्लो चार्ट के जरिए बता रहे हैं कि इफ़ बिगिन करेंगे यूजर 1 है काउंटर को देखेंगे अगर नो है तो एंड हो जाएगा अगर यस है तो यू विल रीड द एज प्रिंट द एज और यूज़र की वैल्यू को बढ़ा देंगे और देखेंगे क्या स्टिल अभी यूज़र लेस देन और इक्वल टू 10 ही अगर हैं तो वो फिर चलेगा इसी तरह ये चलेगा और 10वीं दफ़ा के बाद तक जवाब की वैल्यू 11 हो जाएगी तो ये नो की तरफ जाएगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द प्रोग्राम इसी को हम देखें वो स्टार्ट को जीरो से करेंगे तो वो जीरो के हवाले से पता लग जाएगा यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि ये क्या हो रहा है ये नहीं एक दफ़ा जीरो कर दिया एक दफ़ा वन किया ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए हम लिस्ट लेक्चर देखेंगे कि नाउ लेट अस पुट टुगेदर एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न सो फार तो प्रॉब्लम है यू राइट अ प्रोग्राम दैट विल कैलकुलेट एंड प्रिंट द एजेस ऑफ 10 पीपल गिवन देयर बर्थ डेट इफ द एज ऑफ द पर्सन इज अबव 55 देन द प्रोग्राम विल प्रिंट पेंशन अदरवाइज द प्रोग्राम विल प्रिंट कैलजलागी उसको अगर हम ये देखें तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं वी आर यूजिंग ऑल द थ्री कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ये सीक्वेंस आ रहा है इसमें आइट्रेशन भी है और इसमें सिलेक्शन भी है यूजर को इनिशियलाइज करेंगे वन वाइल यूजर जब तक 10 से कम है या उसके बराबर है आप बर्थ ईयर रीड करेंगे एज में करंट ईयर में से माइनस करेंगे बर्थ ईयर प्रिंट करेंगे एज अगर एज लेस देन ग्रेटर देन 55 है तो प्रिंट करेंगे पेंशन एल्स आप प्रिंट करेंगे कर्ज लागी एंड इफ और उसके बाद इसके बाद आप यूजर्स में इंक्रीमेंट करेंगे बाय द वैल्यू ऑफ वन और फिर ये चेक करेगा कंडीशन क्या सेटिस्फाइड है अगर है तो फिर ये चलेगा और ये एग्जीक्यूशन होती जाएगी अनलेस दीज कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड तो फ्लोचार्ट डायग्राम आप जरा ड्रॉ करें प्रॉब्लम नंबर 3 की और हम देखते हैं कि आप इसमें कितना कर पाते हैं ईमानदारी से कीजिएगा नकल नहीं करनी और फौरन करनी है हमने प्रॉब्लम को स्पेसिफाई भी कर लिया उसको एनालाइज भी कर लिया हमने उसका एल्गोरिदम भी कर लिया अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आता है द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिदम बाय राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके लिए सी लैंग्वेज है जावा है सी शार्प है और भी बहुत सारी हैं
The output of the program must be the solution of the intended problem. वो किसी और का solution नहीं होना चाहिए. And the program must not do anything that it is not supposed to do. उसको वही काम करना चाहिए जिसका उसको task दिया गया है. The program must not do anything that is not supposed to do. Think of those many viruses, buffer overflows, Trojan horses that we experience almost daily. All these results for program doing more than they were intended to do. तो फिर जब उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उनकी performance में, उनकी efficiency में वाज़े फ़र्क आ जाता है. और last step है testing and verification का. So program testing is the process of executing a program to demonstrate its correctness. So program verification is the process of ensuring that a program meets user requirements. After the program is compiled, we must execute the program and test verify it with different inputs before the program can be released to the public or other users or to the instructor of this class. तो आपको ये चीज आ गई कि जो verification है, it means process करेगा, user requirement को check करेगा, meet होंगे कि नहीं है. And testing is the process of executing a program to demonstrate its correctness. After the program is compiled, हम उसको execute करेंगे, test data के साथ verify करेंगे और देखेंगे कि जो intended results हैं, वो actual results के साथ कितना match कर रहे हैं. And the last thing is the documentation, write in description that explain what the program does. It can be done in two ways. You can write comments between the lines of the code or you can create a separate text file to explain the program. It is important not only for other people to use or modify your program, but also for you to understand your own program after a long time. Believe me, you will forget the details of your own program after some time. इसको बड़ा ध्यान रखना. So documentation is so important because you may return to this program in future to use the whole or part of it again. Maintenance ke point of view se, other program or the end user, they will need some information about your program for reference. And for maintenance, you may someday have to modify the program or may discover some errors or weakness in your program. So although documentation is listed as the last stage of software development method, it is actually an ongoing process which should be done from the very beginning of the software documentation development process. तो इसके बाद कुछ थोड़ी सी मैं आपको exercises दे रहा हूँ. आप इनको ईमानदारी से खुद कीजिएगा, प्रैक्टिस करें, वर्क हार्ड. वॉल्यूम कैलकुलेशन का आप लिखें, यू शुड राइट अ सूडो कोड और फ्लो चार्ट भी डेवलप करें फॉर अ सी प्रोग्राम दैट रीड्स द वैल्यू ऑफ हाइट वेट्स और लेंथ लें ऑफ अ बॉक्स फ्रॉम द यूजर एंड देन उसकी मदद से आप कैलकुलेट करें कि वो उसका वॉल्यूम क्या है. कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, द यूनिट इलेक्ट्रिसिटी usage is kilowatt hour. For domestic usage, the monthly rate is 21.8 cents per unit for the first 200 unit, 25.8 cents per unit for the next 800, and 27.8 cents per unit for additional units. Given the amount of electricity units in kilowatt hour used by a customer, calculate the amount of money that needs to be paid by the customer to the TNB. A bill statement needs to be printed out. और इसमें यू कैन हैव टू राइट अ सूडो कोड एंड यू आल्सो हैव टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम एंड सो दैट द कॉन्सेप्ट शुड बी वेल क्लियर टू यू. सम करें ऑफ 1 टू 10, यू शुड राइट अ सूडो कोड और फ्लो चार्ट फॉर अ प्रोग्राम दैट वुड कंप्यूट एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10. इसको करें, सूडो कोड भी लिखें, फ्लो चार्ट भी बनाएं, इसमें कोई वैल्यूज डाल के देखें और फ्लो चार्ट को लाइक को इस टेक्निक को हम कहते हैं डेस्क चेकिंग. आप डेस्क चेकिंग परफॉर्म करें और फिर देखें कि क्या आपको ये तीन एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आर लेक्चर टुडे और इसमें जो है समरी को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल I'll give you a brief introduction of myself and I talk about the course description, goals and contents at a glance. I've also talked about the recommended books. I'll give you some tips for getting extra benefit. In the second topic, we introduce the concept of problem solving, which is the process of transforming the description of a problem into a solution. A commonly used method SDM जो हुआ है, software design method, which consists of steps, six steps, वो भी हमने आपको बताया.
Then we talk about the three basic control structures, sequence selection and repetition, unko bhi dekha. And finally, we discussed in detail about pseudocode and flowcharts and how we can effectively use them in the software development methods and to solve our problems. My dear students, I sincerely hope that the today's topics which I have discussed are well clear to you, and you will not find any problem in understanding these concepts. Inshallah, agle lecture mein phir aapse mulaqat hogi. Tab tak ijazat dijiye. Allah Hafiz.